नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में होने वाले मतदान के सातवें एवं आखिरी चरण में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने सभी स्वयं सेवकों को बूथों पर लगाया। देश हित, राष्ट्र हित, राम हित एवं धर्म हित में मतदान करने के लिए लोगों को जागृत करेगा। यह स्वयं सेवक मोहल्ले और गांव के लोगों में जाकर लोगों को इन मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान करेगा। बूथ को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुन्नी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में अपने स्वयं सेवकों के साथ बैठक कर बूथ को जीतने की राजनीति बनाई। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक राजीव नैन ने बताया कि प्रचार थम जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों को अपने अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलकर देश हित एवं राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए बूथ स्तर की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं जिला प्रचारक राजीव नैन ने अब्बास अंसारी द्वारा अधिकारियों का हिसाब किताब करने वाले बयान पर कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनके लोगों का जो हिसाब किताब हुआ है सबने देखा है। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी के लोगों ने जो अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा था उन पर एक राष्ट्रवादी नेतृत्व के करारा प्रहार किया था, कहा उनकी शक्ति थी और आज कहां चली गई, ट्रांसफर पोस्टिंग उनके अधिकार में नहीं है। ये 5 वर्षों में कहीं जमीन कब्जा नहीं कर पाए, किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू को धूमिल नहीं कर पाए। 5 वर्षों तक सदर विधायक के कारनामों का अंत हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसके साथ आरएसएस के जिला प्रचारक राजीव नैन ने राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा वोट डालने की अपील की। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, परसों 7 मार्च को चुनाव है, सभी लोग मतदान के लिए जाएं और 100% मतदान हो, उस विषय को ध्यान में रखकर समाज में एक वातावरण खड़ा हो, इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अनवरत राष्ट्रभक्ति के कार्य को करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र का काम है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है और उसका पूरा सदुपयोग करें। इसकी जन जागृति के लिए संघ के कार्यकर्ता टोली बनाकर हर बूथों पर कार्य करने वाले हैं। वैसे ही कार्यकर्ताओं की एक प्रकार का हलचल करने के लिए बुलाया गया ऐसे कार्यकर्ताओं के। समाज ने देखा है 5 साल तक किस प्रकार से हिसाब किताब हुआ है। उनके लोगों ने जो गरीबों के जमीनों को अवैध कब्जा करके रखा था उस पर एक राष्ट्रवादी नेतृत्व की सरकार ने किस प्रकार से कड़ा प्रहार किया है और 5 सालों के अंदर में कहाँ उनकी ताकत थी, किसी गरीब का जमीन कब्जा करने का साहस नहीं कर सके। 4.5 साल के अंदर में किसी व्यवसायी पर किसी प्रकार का कोई लूट खसोट का नहीं, जो रंगदारी करते थे रंगदारी, कोई झोला जो चलाते थे झोला वसूलने की परंपरा नहीं थी। 4.5 साल के अंदर में किसी बहु बेटियों के ऊपर कुदृष्टि के साथ नहीं नजर दिखाए। 4.5 साल तक इनका अंत होता रहा है, आगे भी इनका अंत होगा। ये निश्चित रूप से पुलिस और का ट्रांसफर पोस्टिंग करना किसी व्यक्ति के मान का एक संवैधानिक दायित्व है और उस पर करने वाला व्यक्ति एक निर्णय लेता है, एक टोली बैठती है उसकी निर्णय लेती है, जो योग्य काम करता है उसको योग्य स्थान पर रखते हैं। और इस प्रकार का ट्रांसफर और पोस्टिंग कहना किसी प्रकार का भाषण का विषय नहीं है, ये तो कार्य के प्रामाणिकता का विषय। हमारा अधिकारी किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन किया है, अगर वो इसी में लगे हैं कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवा देंगे तो समय आएगा इसका जवाब प्रशासन और समाज देगा उनको। ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए किसी व्यक्ति के कि ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवा देंगे। कोई आप किसी को नहीं, आप वेतन देते हैं नहीं, आपकी औकात किसी पुलिसकर्मी को वेतन देने की है, वो सरकार के अधीन काम करता है और सरकार तय करेगी को कहां जाएगा और कब जाएगा कैसे जाएगा, जो कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता। संकटों को मात करे राष्ट्र विजयी हो हमारा, इस प्रकार का सुरक्षा में लगे कर्मियों का सहयोग करते हुए।